आज हम आपको इस वीडियो में रेलवे से जुड़ी एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए। व्यापार के नजरिए से भी और जानकारी के नजरिए से भी आप इस खबर को देख और सुन सकते हैं। एक सवाल कभी न कभी मन में जरूर आया होगा कि अरे यार, रेलवे स्टेशनों पर दुकानें कितनी चलती हैं, इनको अगर खोलना चाहें तो कैसे होगा, या फिर अनायास भी आपके मन में ये सवाल तो गाहे बगाहे आता ही होगा कि स्टेशन पर दुकान खोलने के लिए क्या करना होता होगा, किराया कितना लगता होगा और इसका टेंडर कैसे मिलता होगा। तो चलिए आपको आज सब कुछ हम इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। दरअसल आपको पता है कि देश में रोजाना ट्रेनों से करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी सफर करती है। रेल में यात्रियों की ये भीड़ करीब 7,325 स्टेशनों से गुजरती है। ऐसे में रेलवे प्लेटफॉर्म पर स्थित चाय नाश्ते के स्टॉल पर यात्रियों की एक बड़ी संख्या पहुंचने से यहां दुकान लगाने वालों को तगड़ी कमाई भी होती है। इसके अलावा ट्रेनों में भी पेंट्री कार के जरिए लोग अच्छी कमाई कर लेते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में खान पान की चीजों की बिक्री से अच्छी आमदनी होने के कारण ही कई स्थानीय दुकानदार और नए युवा उद्यमी रेल के साथ बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन पर्याप्त जानकारी के अभाव में ये नहीं कर पाते। आइए आपको बताते हैं कि आखिर आप कैसे ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर फूड स्टॉल और पेंट्री कार का टेंडर लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसमें कितना खर्च आता है और कितना किराया देना पड़ता है। दरअसल ट्रेनों में कैटरिंग टेंडर और रेलवे स्टेशन पर फूड स्टॉल यानी कि यात्रियों की जरूरतों के लिहाज से अन्य कोई जरूरी सामान की शॉप खोलना एक प्रोसेस होता है। भारतीय रेलवे इसके लिए टेंडर जारी करता है जिसमें आवेदन करके दुकान लगाने का लाइसेंस हासिल किया जा सकता है। रेलवे स्टेशन पर अलग अलग स्टॉल की लागत दुकान के प्रकार पर निर्भर करती है। इसके लिए रेलवे शॉप की साइज और लोकेशन के हिसाब से आपसे एक फीस लेगा। आमतौर पर बुक स्टॉल, चाय कॉफी स्टॉल और फूड स्टॉल खोलने के लिए अनुमानित लागत करीब 40,000 से 3 लाख तक हो सकती है। हालांकि ये शहर और वहां स्थित स्टेशन पर निर्भर करता है क्योंकि ये दरें अलग अलग हो सकती है। भारतीय रेलवे स्टेशन पर कई छोटे स्टॉल भी मुहैया कराता है जिसका किराया और लागत कम होता है। भारतीय रेलवे में खान पान से संबंधित सुविधाओं का संचालन IRCTC करती है। IRCTC ही रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों की कीमतें तय किया करता है। इससे जुड़ी बिजनेस मेन्यू, खाने की रेट आदि पर फैसला किया जाता है। अब IRCTC ही जनाहार केंद्र, फूड प्लाजा, फूड कोर्ट, फास्ट फूड यूनिट, ई कैटरिंग आदि पर काम करता है। ऐसे में आप IRCTC से ही ये जानकारी ले भी सकते हैं। रेलवे स्टेशन पर फूड या फिर अन्य कोई स्टॉल खोलने के लिए दुकानदार के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड आदि होना चाहिए। संबंधित रेलवे स्टेशन पर फूड स्टॉल की उपलब्धता के लिए IRCTC और इंडियन रेलवे की साइट पर टेंडर सेक्शन में जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं और तमाम तरह की सुविधाओं के बारे में भी जान सकते हैं। टेंडर में किराया और अन्य तमाम शर्तों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। बहरहाल बने रहें LexiTees के साथ।